The Winter Art Challenge. It's that time of the year again. Dark mornings, cold weather. This is the time where your motivation to improve yourself starts fading away. जब हम गर्म रजाई में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय बाहर निकल के एक्सरसाइज करने में. This video is a reminder from universe to all those who are losing hope by successfully wasting their 9 months. Hey, you, still 3 months left. Show your potential to yourself. Don't lose hope. This is the right opportunity to pull yourself together and grin this winter to achieve what you whole year couldn't. In this video, we will be sharing with you what exactly the winter arc, rules to be followed in this challenge, time period and the final results. So what exactly the winter arc challenge? Let's break it down. The winter arc refers to a period or a time where individuals use the coldest, darkest days of the year as a means to refocus, pre-visualize and arrive at their desired destination. Tumhe lagta hai tumhare paas abhi bhi bahut waqt hai na? पर 2024 के 9 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं. तुमने अपना ज्यादातर टाइम रील्स देखने में गवा दिया, दोस्तों के साथ घूमने में निकाल दिया और हर रात तुम बेड पे लेटकर गिल्ट के लूप में फंस जाते हो. उसे बाहर निकलने के लिए खुद को डोपामिन देते हो, फिर से रील देखते हो या कोई अश्लील वीडियो. मैनी ऑफ अस आर डूइंग गुड, बट वो भी गिल्ट में है क्योंकि कहीं ना कहीं दे नो उन्होंने पूरा साल अपना पोटेंशियल नहीं शो करा. जिस वक्त हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, दुनिया के हर कोने में कोई मेहनत कर रहा होता है. द विंटर आर्क इज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, टिपिकली स्पैन्स फ्रॉम 1st of October टू 28th of February. इट्स अ पीरियड वेयर इंडिविजुअल डेडिकेट देमसेल्फ एंटायरली टू अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल. द आइडिया इज टू यूज द विंटर मंथ्स व्हेन सोशल एक्टिविटीज नेचुरली डिक्रीजेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटेंस फोकस एंड पर्सनल ग्रोथ. आई नो आप सबको भी मेरी तरह अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करना है, तो ये वही टाइम है जहां अपने विंटर आर्क डेज में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा जिसे हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी मिले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल्स. डोंट टेक 8 hours ऑफ स्लीप, इट्स अ मिथ गाइस, 6 hours इज इनफ. रूल नंबर 1 इज टू वेक अप शार्प एट 4 AM. रात को देर तक जागना, फिर सुबह देर तक सोना या रैंडमली दिन में कभी भी सो जाना, ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन कोई सेंस नहीं बना पाता बिकॉज उसको मालूम ही नहीं है कि उसको पूरा दिन आपसे कौन से टास्क करवाने हैं, क्योंकि जो टाइम तुमने अपनी पढ़ाई और एक्सरसाइज के लिए रखा था उस टाइम तो तुम सोने चले गए और इसीलिए नेक्स्ट डे जब उस वक्त पे आप काम करने बैठते हो तो आपको नींद आती है और टायर्ड फील करते हो. इसीलिए यू नीड टू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल. रूल नंबर 2, टेक आइस बाथ. अब जो इतने साल गर्म पानी से नहाते आए हो तो आई विल नॉट सजेस्ट कि सर्दियों के दिनों में आप सडनली आइस बाथिंग शुरू कर दो. ऐसा करने से आप बीमार पड़ जाओगे और हो सकता है आप चैलेंज को बीच में ही तोड़ दो. सो व्हाट आई सजेस्ट, टेक शावर इन नॉर्मल और कोल्ड वाटर. पानी को बिना गर्म किए जैसा भी पानी आता है उसी पानी से नहाओ और तब तक नहाओ जब तक आपकी नींद पूरी तरह खुल ना जाए. रूल नंबर 3, रीडिंग एटलीस्ट 20 pages इन अ डे. अब 75-day हार्ड चैलेंज हो या विंटर आर्क, आखिर रीडिंग करना क्यों रहता है सब में? रीडिंग करने से आपकी कंसंट्रेशन, प्रोनाउंसिएशन, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, विच विल डायरेक्टली हेल्प यू इन बीइंग कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. यू कैन रीड मोटिवेशनल बुक्स, भगवद गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, बट यू हैव टू रीड 20 pages इन अ डे ड्यूरिंग द होल चैलेंज. रूल नंबर 4, गिव 100% टू योर वर्क, मेक योर डे प्रोडक्टिव. सुबह उठने के बाद और नहाने से पहले ट्राई टू राइट अ जर्नल कि आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रायोरिटी पे करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिस्ट प्रायोरिटी पे रहती हैं, जिसे आपको करना रहेगा, जिसे आपको पता रहेगा कि ये काम खत्म करने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है. व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, वेदर यू आर एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, खुद का काम है, जॉब है या फिर स्टडी, मेरे लिए तो यूट्यूब प्रायोरिटी है, तो आई विल गिव माय 1000% टू अपलोड हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो एंड आई विल गिव माय बेस्ट ऑन यूट्यूब. अगर आपको कोई शक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे को चेक करने के लिए. तो आप भी अपने काम पे पूरी जान लगा दो एंड एक टारगेट फिक्स रखो कि आपको अपने काम को कहाँ ले जाना है एक्चुअल में इस चैलेंज के एंड तक, बिकॉज ब्रो मनी मैटर्स. रूल नंबर 5, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट ब्रेक दिस साइकिल फॉर इवन अ सिंगल डे. जब हम अपने सेट किए गोल्स को अचीव करते हैं डेली बेसिस पे,
तो हम अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हार्ड वर्क करना एक हैबिट है गाइज। जब आप अपने डेली गोल्स को पूरा करते जाओगे तो थोड़े टाइम बाद तुम्हें अपने काम को पूरा करने की हैबिट हो जाएगी। रूल नंबर 6, वर्कआउट, मूव योर बॉडी। वेदर यू गो टू द जिम और डू योगा, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग एट होम, बट मेक श्योर योर बॉडी मूव्स। सर्दियों के दिनों में अगर एक भी दिन एक्सरसाइज ना करे तो बॉडी जाम सी हो जाती है और फिर आप सुस्त और लेजी फील करने लगते हो, जिससे 100% चांसेस है कि आप बाकी के रूल भी फॉलो नहीं कर पाओगे। इस चैलेंज को सबसे क्रूशियल पॉइंट है अपनी हेल्थ पे वर्क करना। रूल नंबर 7, ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन। आपको जो भी मिला है, जो भी पाने की इच्छा है और जो भी आज आप कर पा रहे हो, सुख और दुख दोनों के लिए ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि सुख देखने का मौका भी उसी ईश्वर ने दिया है और दुख देकर कुछ सीख के आज से बेहतर बनने का मौका भी उसी ईश्वर ने दिया है। सो दिन में एक बार जो भी है उसके लिए थैंकफुल फील करो उस यूनिवर्स को, और मेडिटेट करके अपने मन को अगले दिन के लिए तैयार करो। तो इस चैलेंज से हम अपने 3 एस्पेक्ट पर काम करेंगे, फिजिकल हेल्थ बाय डूइंग वर्कआउट, मेंटल हेल्थ बाय डूइंग मेडिटेशन एंड वेकिंग अप अर्ली एक्सेट्रा, फाइनेंशियल हेल्थ बाय फोकसिंग ऑन आवर वर्क और आवर फील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू कैन नॉट डू ड्यूरिंग दिस विंटर आर्क चैलेंज। If you did, then challenge break हो जाएगा। No masturbation, no porn, no junk food, only healthy meal। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा ही तो मन होगा। No alcohol, cigarettes and any type of intoxication। This winter arc is you versus you। This fight is with yourself। Let's kill that coward and become a warrior। A darkest, coldest arc or a period in a year in which you get rid of every distraction, every fake dopamine that are present into your life and form new habits, chasing real dopamine by building a dream physique, grow in every aspect. This time you have to become invincible, too powerful to be defeated. Until next time, keep shining.